एवरीवन, वेलकम टू दी फायर शार्क। तो गाइस, वीडियो में हम बात करेंगे पैट के बारे में। अब पैट क्या होता है? पैट स्टैंड्स फॉर पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। अब होता क्या है, जो हमारा हमने डायनेमिक नेट पढ़ा था, ये बिल्कुल वैसे ही है, बट यहाँ पे इन्हेंसमेंट है। देर इज सम इन्हेंसमेंट। अब वो इन्हेंसमेंट क्या है वो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन लेंगे। कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो हम क्या करते हैं, अपना एक राउटर लेते हैं सबसे पहले। और यहाँ मैं एक राउटर और ले रही हूँ। और सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सीरियल पोर्ट लगाते हैं। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने से पहले मैं क्या लेती हूँ, स्विच भी हम ले मैं यहाँ पे अपना ले लेती हूँ। और ये मैंने यहाँ पे मैंने कुछ पीसी लिए। और मैं एक सर्वर लेती हूँ। तो अब इनको कनेक्ट करते हैं। जो हमारे राउटर हैं उनको हम सीरियल केबल से ही कनेक्ट करेंगे। और पहले मैं यहाँ पे सिर्फ दो ही पीसी के लिए ले रही हूँ आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन। बाकी भी हम कनेक्ट कर लेंगे। तो अब अपना कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी तरफ चलते हैं। कॉन्टी हमारा इंटरफेस देख लेते हैं कौन सा है। 0x1x0, सॉरी सीरियल इंटरफेस का नेम तो लिखा नहीं मैंने। और यहाँ पे हम देते हैं आईपी 1.1.1 255.0.0.0 एंड देन क्लॉक रेट 7200 एंड देन नो शेट एग्जिट इंट गिग 0x0 आईपी यहाँ पे देते हैं 192.168.1.1 255.255.255.0 एंड नो शेट। यहाँ पे हमने ये अपनी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करी। और अब अपने दूसरे राउटर पे चलते हैं। तो कॉन्टी सीरियल पोर्ट हमारा देख लेते हैं कौन सा है। यहाँ पे सीरियल 0x0x0 0x0x0 एंड देन आईपी एड्रेस 1.1.2 और 255.0.0.0 नो शट एग्जिट इंट गिग 0x0 और आईपी प्रोवाइड करते हैं 10.0.0.1 255.0.0.0 एंड देन नो शट। तो ये हमने हमारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करी। अब एक चीज़ और कर लेते हैं, क्या हम राउटिंग करा लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ डायनेमिक राउटिंग करवा रही हूँ, राउटर रिप राउटिंग करवा रही हूँ मैं। और नेटवर्क यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं। नेटवर्क हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे
एक तो रहेगा 1.1.0 और दूसरा नेटवर्क क्या रहेगा हमारा 10.0.0.0। ये हमारा यहाँ पे नेटवर्क रहेगा। और साथ ही एक चीज़ और कर लेते हैं, इंटरफेस जो हमारा है कौन से वाला, सीरियल इंटरफेस जो हमारा है, ठीक है, इंटरफेस सीरियल 0x0x0 जो हमारा है वो क्या है हमारा आउटसाइड का हमारा क्या है, ठीक है, आईपी नेट। और यहाँ पे देखो आउटसाइड, ये हमारा आउटसाइड है, ये मैंने करा गाइस। ये हमारी बिल्कुल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये तो हमको करनी पड़ेगी। गिग 0x0 और यहाँ पे करते हैं आईपी नेट इनसाइड। तो ये हमारा हो गया, अब दूसरे राउटर पे चलते हैं। एक बार मैं यहाँ से एग्जिट करती हूँ, राउटर रिप। और अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिप राउटर नेटवर्क, नेटवर्क में क्या करते हैं 1.1.0 हमारा है, एक हमारा है नेटवर्क 192.168.1.0। यहाँ से इसको एग्ज़िट करते हैं और क्या करते हैं, इंट सीरियल हमारा क्या है 0x1x0 और ये हमारा क्या है आईपी नेट आउटसाइड, ठीक है, और आईपी। और हम क्या करते हैं, एक हमारा है इंट गिग 0x0 और ये हमारा क्या है आईपी नेट इनसाइड। तो गाइज, तो ये हमारे बिल्कुल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हुई, ठीक है। हमने देखा था स्टैटिक राउटिंग किस तरह करते हैं, डायनेमिक कैसे करते हैं। अब पैट देखते हैं, पैट के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो पैट के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होती है, एक एक्सेस लिस्ट होती है, ठीक है। हमको यहाँ पे एक्सेस लिस्ट भी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, जैसे कि हम डायनेमिक राउटिंग पे भी हमने देखा था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे एक्सेस लिस्ट हमारी। एक्सेस, मैं एक बार यहाँ से एग्जिट करती हूँ और कॉन्फ टी, और मैं यहाँ क्या करती हूँ, एक्सेस लिस्ट और हमारी लिस्ट का नेम रखती हूँ मैं 10। परमिट, परमिट किसको करना है, हमारे अभी ये जो हमारे लैन के अंदर हमने जो लिया है नेटवर्क हमारा क्या है 192.168.1.0 और हमारा इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या रहेगा 0.0.0.255, ठीक है, ये हमारा वाइल्ड कार्ड रहा। और हम अब यहाँ क्या करेंगे, आईपी नेट इनसाइड इनसाइड सोर्स लिस्ट, कौन सी लिस्ट ले रहे हैं हम, हमारी 10 है, ठीक है, हमने हमारी एक्सेस लिस्ट ली। इंटरफेस, इंटरफेस कौन सा ले रहे हैं हम, सीरियल। देखो हमें क्या करना पड़ रहा था, किसके केस में, डायनेमिक के केस में हमको फ्यू एड्रेसेस हमको देने पड़ रहे थे, है ना, डायनेमिकली, ताकि वो पूल से अपना ले ले। तो अब यहाँ पे देखो हम सिर्फ एक इंटरफेस दे रहे हैं, इंटरफेस सीरियल 0x1x0, ये हमारा इंटरफेस रहा। और यहाँ पे हम एक चीज़ और क्या लिखनी है, ओवरलोड, ये हमारा ओवरलोड हुआ, ठीक है। और इनसाइड आउटसाइड हमने कर ही लिया है, और जस्ट अब हमको क्या करना है, चेक करते हैं आईपी नेट ट्रांसलेशन। एग्जिट शो आईपी नेट ट्रांस, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अपने पैकेट्स को सेंड करके देखते हैं। ओके, हमने अभी आईपी नहीं दिया है, ओके ओके, आई फॉरगेट इट। अपने पीसी पे चलते हैं सबसे पहले, तो 192
1.168.1.2 और हमारा गेटवे 192.168.1.1। गेटवे ये हमारा गेटवे हुआ। अब सर्वर पे भी चलते हैं। ये हमारा था 10.0.0. यहाँ पे देखिए 3 और गेटवे हमारा है 10.0.0.1। अब देखते हैं पैकेट सेंड करके। ओके लेट मी चेक, पहले अपने राउटर के पास भेजते हैं। ओके सेंड हो गया। ओके ये भी सक्सेसफुल रहा। अब अगेन हम चेक करते हैं। ओके देखो अब ये सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। और अब हम अगेन अपने राउटर पे चलते हैं और चेक करते हैं शो आईपी नेट ट्रांस। तो गाइज़ यहाँ पे देखो इसने ऑटोमेटिकली, हमने कोई यहाँ पे असाइन नहीं करा था कि हमारा जो हमारा आउटसाइड का जो एड्रेस रहेगा, ठीक है, पब्लिक एड्रेस हमने कोई मेंशन नहीं करा था, हमने सिर्फ इंटरफेस दिया उसी से इसने ले लिया, ठीक है। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, पोर्ट के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो दोनों के लिए, देखो हमने दो पीसी लिए थे, दो हमारे जो इनसाइड लोकल क्या है, हमारे जो एड्रेस थे 192.168.1.4 और 192.168.1.2, दोनों के लिए एक ही आईपी से काम चलाया इसने। देखो दोनों के लिए एक ही आईपी लिया 1.1.1.1, दोनों के लिए इसने एक ही आईपी का यूज़ करा है। तो ये हमारे पैट का फ़ायदा होता है, सिर्फ एक ही आईपी, हम एक आईपी से ही हम क्या कर पा रहे हैं, मतलब जो हमारा पब्लिक पब्लिक हमारा नेटवर्क है उसके अंदर हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा फ़ायदा होता है। हमने क्या देखा था, हमने नेट देखा था, नेट के अंदर फिर हमने स्टैटिक देखा, डायनेमिक देखा। स्टैटिक में तो हमें खुद कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ रही थी हर एक, मतलब 1-to-1 हमको क्या करना पड़ रहा था, आईपी प्रोवाइड करना पड़ रहा था, ये बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट वर्क हो जाता है। फिर हमने डायनेमिक के केस में क्या करा, एक हमने नेट पूल बनाया, उसके अंदर कुछ आईपी एड्रेस हमने डाले और हम उन उन आईपी एड्रेस को फर्स्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे प्रोवाइड कर रहे थे और फिर कम्युनिकेशन करा रहे थे, प्राइवेट टू पब्लिक ट्रांसलेट करा रहे थे। और इसके अंदर क्या होता है, पैट के अंदर क्या होता है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, पोर्ट की हेल्प से, मतलब आईपी एक ही रहेगा, ठीक है, आउटसाइड कम्युनिकेट करने के लिए एक ही आईपी से हम क्या कर पा रहे हैं, नेटवर्क में कितने भी हमारे डिवाइस हैं, कितना बड़ा नेटवर्क है, सारे एक ही आईपी की हेल्प से बाहर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसलेशन होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइज पैट पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। सो थैंक यू गाइज़।